हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CTT एंड TTS प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार शिक्षक बहाली का जो फॉर्म आता है उसमें क्या क्या फिल करना होता है, किस तरह की जानकारियाँ देनी होती है, वो सारी चीज़ों को आप लोगों से बताने वाली हूँ, मतलब दिखाने वाली हूँ। मेरी बहाली जो हुई थी तो उस समय फॉर्म जो था उसको मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहाली प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है, तो सेम फॉर्म रहेगा, सेम जानकारियाँ उसमें भरनी होगी। तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना आप लोगों को दिखाऊँ, और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है, मैं एक एक करके सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी भी कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से बनवाना पड़ता है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, और एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, बिहार शिक्षक बहाली प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और जो भी नहीं दी हूँ वो धीरे धीरे एक एक करके दूंगी, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट दे दूंगी। और फॉर्म मैं इसलिए दिखाने जा रही हूँ क्योंकि उससे पता चल जाए जो किस चीज़ का मार्कशीट क्या क्या लगेगा, क्या क्या उसमें भरना होता है, किस तरह से भरना होता है, किस तरह से मेरिट बनता है, सब कुछ उसमें दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोगों के लिए ही मैं ढूंढ के निकाली हूँ, हालांकि वो बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन फिर भी सब कुछ उस पर दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आइए दिखाते हैं। इस फॉर्म को दिखाने के पीछे मेरा मकसद है कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे, और मेरे प्रति आप लोगों का विश्वास बना रहे, क्योंकि मैं एक भी जानकारी गलत नहीं देती हूँ, 100% सही जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि मैं उस नियोजन प्रक्रिया से गुजर चुकी हूँ और मैंने देखा कि उस प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। चलो देखो, बिहार राज्य की प्राथमिक कक्षा यानी 1-5 तक के शिक्षक नियोजन हेतु, ठीक है, आवेदन प्रपत्र। सबसे पहले शिक्षक की कोटी भरना है कि आप नगर शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रखंड शिक्षक के लिए या पंचायत शिक्षक के लिए, ठीक है। तो मैं प्रखंड शिक्षक के लिए की थी, तो यहाँ देखिए प्रखंड शिक्षक पे टिक लगा हुआ है, और मैं प्रशिक्षित हूँ तो प्रशिक्षित पे टिक लगा हुआ है, बाकी पे टिक नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ ना, जो मेरी जो बहाली हुई थी सो वो उर्दू बांग्ला के लिए आया था, तो उस समय सामान्य TET वाले को भी ले लिया गया था, इसलिए मेरी जॉब हो गई। देखिए यहाँ विषय का नाम सामान्य उर्दू बांग्ला, मेरा सामान्य में हुआ है इसलिए सामान्य यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आपका जो 1 अगस्त 2014 को जो आयु थी, कितने वर्ष की थी, सो देना है। तो देखिए 22 वर्ष 4 माह और 20 दिन। उसके बाद पता देना होता है, जो आपका अस्थाई पता है, पिन नंबर, ये सब देना होता है, और पत्राचार का पता दोनों। नीचे देख रहे हैं जो प्राप्ति रसीद, जब यह बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं ना कि कैसे फॉर्म फिल होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, और जब इसको आप जमा करेंगे, देखिए कैची का निशान बना हुआ है ना, यहाँ से आपको ये प्राप्ति रसीद जो है इसमें लिख के दे देगा, जो आवेदन पत्र का प्राप्ति का संख्या आपका क्या है, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पर आपका नाम रहेगा। नेक्स्ट पेज पर चलती हूँ, इसका नेक्स्ट पेज भी है, तो चलो नेक्स्ट इस पर क्या क्या भरना है इसको देखिए। कोटी भरना है, अनारक्षित है मेरा, तो देखिए अनारक्षित पे मैं टिक लगा के रखी हूँ। यह फॉर्म मेरा गलत हो गया था भरने में, इसलिए मेरे पास रद्दी अवस्था में था, लेकिन मैं फेंकी नहीं थी, तो चलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं ये फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके बाद है यदि आरक्षित कोटि के है तो आरक्षण की कोटि, अगर आप आरक्षित कोटि में है तो इसमें आरक्षण की कोटि देना है। यदि विकलांग है किसी भी तरह की, दृष्टि विकलांगता है, श्रवण बाधित है, या अस्थि जन्य निःशक्त है, किसी प्रकार की निःशक्तता आपके अंतर है, तो आप इसको भर सकते हैं। और विकलांगता का प्रतिशत, मतलब प्रतिशत देना है कि कितना प्रतिशत आप विकलांग हैं, अगर आप 40 से कम है तो इस कोटी में आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए योग्यता भरना है, यहाँ पे मैट्रिक का भरना है, इंटर का भरना है, और अगर आप प्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षण का भरना है, और साथ ही कौन से बोर्ड से आप किए हैं, कब उत्तीर्ण हुए हैं, और आपने अंक कितना प्राप्त किया है, कितना प्रतिशत में प्राप्त किया, यही मैंने गलत कर लिया था। गलत क्या कर लिया था मैं कभी बताऊंगी। और चलिए अब देखिए इसमें कैसे मेधा अंक बनता है, तो जो भी मार्क्स आपने भर के दिया है कि आपका किस में कितना परसेंट है, कितना मार्क्स है, उसमें अगर आप प्रशिक्षित है, उस समय प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित वाली बात थी, तो उसमें 3 से उसको भाग करना होता था,
और जो लोग अप्रशिक्षित थे उसमें दो से भाग करना होता था। इसलिए ऐसा करना होता था क्योंकि प्रशिक्षित वाले डीएलएड किए हुए थे, बीएड किए हुए थे, तो उसमें मार्क्स उनका ज़्यादा हो जाता था ना ऐड करने पे, तो इसलिए तीन से उनमें भाग किया जाता था। जो अप्रशिक्षित थे उनका बस मैट्रिक और इंटर का था, इसलिए उसमें दो से भाग करना होता था। और शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अंक लाए उस हिसाब से बोनस अंक मिलता था और वही सब कुछ इसमें भरना था। और अगर आप कुछ भी इसमें गलत नहीं भरना है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो आपने भर के दिया है प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाएं सही है, किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, स्थान मुजफ्फरपुर, अब यहाँ पे सिग्नेचर करना। चलिए तो आगे मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम शपथ पत्र जो बनवाना होता है वो कैसे बनवाना होता है, किस तरह का होता है वो दिखाइए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं दिखाऊंगी, मैं बहुत सारी जानकारी एक एक करके आपको दूंगी। आज मैंने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ के निकाला है जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।